प्यारे छात्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल साइंस स्किल पे। जैसा कि पिछले हम लोग केमिस्ट्री की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे उत्प्रेरक के बारे में, कि उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया का वह वैल्युएबल पार्ट्स होता है जो किसी भी अभिक्रिया को जल्दी बनाने का काम करता है या फिर उसको मंद अभिक्रिया करता है। यानी कि वो डिपेंड करता है कि किसी भी अभिक्रिया का किस तरह का उत्प्रेरक इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि उत्प्रेरक क्या कहलाता है, किसी भी अभिक्रिया को जल्दी बनाने का काम करता है या फिर देर से बनाने का काम करता है, वो कहलाता है उत्प्रेरक। अब आइए आगे हम लोग सीखते हैं कि उत्प्रेरक अभिक्रिया का क्या क्या विशेषताएं हैं, आखिर उत्प्रेरक अभिक्रिया का यूज हम लोग कहां करते हैं, उसकी क्या क्या कंडीशन है, उसका क्या क्या वैल्यू है, राइट। तो चलिए टॉपिक देंगे आगे उसके, उत्प्रेरकीय अभिक्रिया की विशेषताएं, की विशेषताएं, उत्प्रेरकीय अभिक्रिया की विशेषताएं, यानी कि उत्प्रेरक जो अभिक्रिया है उसका क्या क्या विशेषता है, उसके नीचे एरो देंगे, लिखेंगे उत्प्रेरकीय अभिक्रिया की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, उत्प्रेरकीय अभिक्रिया की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, उत्प्रेरक की अल्प मात्रा से ही, पहला लिखेंगे उत्प्रेरक की अल्प मात्रा से ही अभिकारकों की पर्याप्त मात्राओं के बीच, अभिकारकों के पर्याप्त मात्राओं के बीच अभिक्रिया कराई जा सकती है, अभिक्रिया कराई जा सकती है। दूसरा, महीन चूर्ण की अवस्था में, महीन चूर्ण की अवस्था में उत्प्रेरक, उत्प्रेरक अधिक प्रभावकारी होता है, अधिक प्रभावकारी होता है। और तीसरा में लिखेंगे उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता बल्कि, उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता बल्कि यह उसके वेग को बढ़ा देता है, यह उसके वेग को बढ़ा देता है। चौथा लिखेंगे उत्प्रेरक के प्रयोग से, उत्प्रेरक के प्रयोग से अभिक्रिया के पश्चात, अभिक्रिया के पश्चात बने प्रतिफल की प्रकृति में, बने प्रतिफल की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए तो अभी हम लोग आइए सीखते हैं कि उत्प्रेरकीय अभिक्रिया की क्या क्या विशेषता है। तो सबसे पहला में हम लोग लिखे हैं कि उत्प्रेरक अल्प मात्रा से ही, अब उसका यानी कि जैसे मान लिया कि कोई अभिक्रिया है ए से बी बन रहा है, राइट। अब हमको यहां पे उत्प्रेरक कुछ भी इस्तेमाल करना है, जैसे मान लिया कि कॉपर यूज करना है, तो अब कॉपर का थोड़ा सा मात्रा है 0.1 ग्राम भी हमें वो काम कर सकता है। यानी कि ऐसा नहीं समझना है कि उत्प्रेरक का मात्रा बहुत ज्यादा लेने से उस पर प्रभाव पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी अभिक्रिया हो, जब भी हम लोग कुछ उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो उसका छोटा सा मात्रा, उसकी कम मात्रा भी हमारे लिए फायदेमंद होता है, यही है पहली विशेषता। पहला विशेषता याद रखना होगा कि उत्प्रेरक की अल्प मात्रा ही अभिक्रिया के लिए काफी प्रभावकारी होता है। और दूसरा हम लोग ये लिखें कि महीन चूर्ण की अवस्था में तो और प्रभावकारी होता है, यानी कि अगर कॉपर हमें 10 ग्राम यूज करना है, राइट, अब 10 ग्राम का एक टुकड़ा रख दे उत्प्रेरक के रूप में, या फिर 10 ग्राम को हम लोग इसको महीन चूर्ण बनाकर और तब इस्तेमाल करें, तो महीन चूर्ण वाला ज्यादा फायदेमंद है, ज्यादा काम करता है, किसके अपेक्षा, तो ठोस वाले की अपेक्षा। तो याद रखिएगा दूसरा विशेषता यह है कि उत्प्रेरक का महीन चूर्ण सबसे अधिक प्रभावशाली होता है किसी भी अभिक्रिया के लिए, राइट। तो पहला ये कि कोई भी उत्प्रेरक का अल्प मात्रा ही अभिक्रिया के लिए प्रभावशील होता है, और दूसरा कि अगर उसको महीन चूर्ण के फॉर्म में तोड़ दिया जाए,
उसको छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया जाए तो वो और अधिक अप्लीकेबल होता है किसी भी अभिक्रिया के लिए। फिर थर्ड नंबर लिखे हैं कि उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते, हालांकि ये चीज हम लोग पिछले क्लास में भी सीखे थे कि उत्प्रेरक क्या है। तो उत्प्रेरक कभी ये नहीं बोलता कि ए से बी अभिक्रिया शुरू करना है। अभिक्रिया को शुरू कराना उत्प्रेरक का काम नहीं है। उत्प्रेरक का काम है किसी भी अभिकारक से प्रतिफल को जल्दी बनाना या देर से बनाना, वो डिपेंड करता है उत्प्रेरक पर। यानी उत्प्रेरक का काम यह है कि कोई भी अभिक्रिया में अभिकारक से प्रतिफल कितना समय में बन रहा है वो डिपेंड करता है उत्प्रेरक पर। प्यारे छात्रों, उत्प्रेरक का मतलब कभी नहीं समझना है कि अभिक्रिया शुरू हो रहा है, ऑटोमेटिक वो अभिक्रिया हो रहा है। जैसे ये साइन देते हैं ना हम लोग, तो ये अभिक्रिया हो चुका होता है, अभिकारक से प्रतिफल भी बन चुका होता है, लेकिन यहाँ पे कॉपर या फिर H2O चाहे अंधेरा चाहे प्रकाश यहाँ कुछ भी लिखा हुआ रहता है। आप बहुत सारा केमिस्ट्री की किताब में आप देखते होंगे कि यहाँ पे कोई अभिक्रिया है, अभिकारक है और एरो देकर यहाँ कुछ प्रतिफल है, लेकिन यहाँ लिखा रहता है। तो यहाँ जो कुछ भी लिखा रहता है वो कहलाता है उत्प्रेरक, और उत्प्रेरक का मतलब ये है कि अभिक्रिया को जल्दी बनाना या फिर देर से बनाना, राइट। तो आप याद रखिए, कभी भी अभिक्रिया को शुरू नहीं करता है बशर्ते उसके वेग को बढ़ाता है। ये हम लोग लिखे हैं। फिर है उत्प्रेरक के प्रयोग से अभिक्रिया के पश्चात बने प्रतिफल की कोई परिवर्तन नहीं। हाँ बिल्कुल, अगर मान लिया कि ए से बी बन रहा है, अगर हम नहीं भी यूज करें उत्प्रेरक तो ऑटोमेटिक ए से बी ही बनेगा, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में सीखे हैं। लेकिन अंतर ये पड़ेगा कि ये थोड़ा सा देर से बनेगा। अब इसी अभिक्रिया को जल्दी कराने के लिए हम लोग उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं। यानी प्यारे छात्रों, जो प्रतिफल बनेगा अभिकारक से जो प्रतिफल बनना होता है वही बनेगा, लेकिन हम अगर कैटालिस्ट का यूज करेंगे, उत्प्रेरक का यूज करेंगे, वो काम क्या करेगा, अभिक्रिया को तेजी से कराने का काम करता है। जल्दी से जल्दी हमें प्रोडक्ट मिल सकता है, जल्दी से जल्दी हमें प्रतिफल मिल सकता है। तो ये रहा हम लोगों को उत्प्रेरकीय अभिक्रिया की कुछ विशेषताएं। अब उसके आगे हम लोग लिखेंगे टॉपिक कि उत्प्रेरण के प्रकार, यानी कि उत्प्रेरकों का वर्गीकरण या फिर प्रकार भी बोल सकते हैं। तो टॉपिक लिखेंगे उत्प्रेरकों का वर्गीकरण, उत्प्रेरकों का वर्गीकरण। ये ऐसा चैप्टर है जिसमें हम लोगों को कोई न्यूमेरिकल्स नहीं मिलने वाला है, सिर्फ ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसमें हम लोग सिर्फ थ्योरी के बारे में सीखेंगे, थ्योरेटिकल है मतलब कि इसमें कोई न्यूमेरिकल्स वैल्यू नहीं है, पृष्ठीय रसायन चैप्टर ही है। तो अब लिखेंगे उत्प्रेरक का वर्गीकरण, उसके नीचे आप देंगे लिखेंगे उत्प्रेरण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, या फिर ये लिख सकते हैं कि उत्प्रेरण को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है। ये भी लिख सकते हैं, पहला समांग उत्प्रेरक, दूसरा विषमांग उत्प्रेरक। पहला में लिखेंगे समांग उत्प्रेरक और दूसरा विषमांग उत्प्रेरक। पहला समांग उत्प्रेरक और दूसरा विषमांग उत्प्रेरक, पहला समांग उत्प्रेरक और दूसरा विषमांग उत्प्रेरक। चलिए, तो याद रखिएगा हम लोग कि उत्प्रेरक कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का, एक का नाम है समांग और दूसरे का नाम है विषमांग। अब चलिए आगे टॉपिक लेंगे, टॉपिक बनाएंगे यहां पे समांग उत्प्रेरक, समांग उत्प्रेरक, उसके नीचे आप एरो देंगे लिखेंगे जब उत्प्रेरक अभिकारक एवं प्रतिफल सभी अभिकारक एवं प्रतिफल सभी एक ही भौतिक अवस्था में हो
तो वह उत्प्रेरक तो वह उत्प्रेरक शमांग उत्प्रेरक कहलाता है। तो वह उत्प्रेरक समांग उत्प्रेरक कहलाता है। चलिए अब हम लोग जरा समांग उत्प्रेरक को अच्छे से समझेंगे कि समांग उत्प्रेरक क्या है। सबसे पहला, वैसा उत्प्रेरक वह उत्प्रेरक जो किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल का दोनों का भौतिक अवस्था सेम होना चाहिए। यानी कि जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे कुछ, हम लोग एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, पहला एग्जाम्पल ये है, जैसे एक अभिक्रिया लेते हैं NO2। ये क्या है पहले छात्रों? तो गैस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। अब इसके साथ एक O2 लिए हुए हैं, तो ये भी क्या है, किस अवस्था में है? ये गैसीय अवस्था में है। अब ये प्रतिफल बन रहा है 2SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये भी क्या है प्यारे छात्रों? गैस है। अब यहां पे यानी कि इस केस में, यानी कि ये अभिक्रिया कुछ भी रहेगा, ये अभिकारक, यानी कि जब एरो के लेफ्ट साइड को हम लोग बोलते हैं अभिकारक, तो यहां से लेकर यहां तक के हुआ अभिकारक और ये हुआ क्या, प्रतिफल। ये प्रतिफल हुआ। अब यहां पे ये बोला जा रहा है कि उस उत्प्रेरक को हम लोग समांग उत्प्रेरक कहेंगे जिसका अभिकारक और प्रतिफल का भौतिक अवस्था सेम होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। मतलब समझिए, अगर किसी भी अभिकारक का या प्रतिफल का भौतिक अवस्था सेम है, मतलब गैस होना चाहिए अभिकारक पे, गैस गैस तो गैस, द्रव द्रव तो द्रव, ठोस तो ठोस, यानी कि अभिकारक में जो चीज होना चाहिए वही अवस्था प्रतिफल में भी होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तब जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जैसे मान लिया कि यहां पे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे NO यूज कर रहे हैं, NO जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये गैस ही है, हालांकि इससे मतलब नहीं है। यहां उत्प्रेरक कुछ भी हो हमें मतलब नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि अभिकारक और प्रतिफल दोनों सेम सेम है कि नहीं। जब दोनों सेम सेम है तब हम बोलेंगे कि उत्प्रेरक कौन है, तो जो यहां पे यूज करते हैं उत्प्रेरक NO एक समांग उत्प्रेरक है, समांग उत्प्रेरक है। यानी कि हम क्यों NO को समांग बोल रहे हैं? NO भले गैस है, चाहे द्रव है, चाहे इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को मतलब है अभिकारक और प्रतिफल दोनों का भौतिक अवस्था सेम रहना चाहिए। समझ में आ रही है बात? यानी कि अगर ये गैस, ये द्रव और ये द्रव रहता तो हमें इससे मतलब नहीं है, डायरेक्ट इसको बोलेंगे समांग। अगर मान ली इधर गैस रहता और ये ठोस अवस्था में रहता तब हम लोग लिखते हैं कि उत्प्रेरक, यहाँ NO जो यूज हो रहा है एक विषमांग उत्प्रेरक है। समझ में आ रहा है? चलिए तो एक और एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर टू कुछ इस तरह के हैं, CH3CHO जो एक फॉर्म किस तरह का है, वाष्प का फॉर्म है और इससे बन रहा है CH4 और CO। पता है ना CH4 क्या है? मिथेन, जो किस फॉर्म में पाया जाता है, गैस फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, गैस है। अब यहां पे कोई हम लोग उत्प्रेरक I2 इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां पे उत्प्रेरक कुछ भी रह सकता है, हमको उससे मतलब नहीं है। आपको अभिकारक और प्रतिफल पहचानना है कि वो दोनों का भौतिक अवस्था सेम सेम है या सेम सेम नहीं है। अगर दोनों का सेम सेम रहा तब हम बोलेंगे कि यहां पे जो उत्प्रेरक है वो समांग है, अगर सेम नहीं रहेगा तो विषमांग है। आप देख पा रहे होंगे कि अभिकारक में क्या है, वाष्प, और प्रतिफल में क्या है, गैस। तो बहुत सारे छात्रों को लग रहा होगा कि सर यहां तो I2 जो है वो विषमांग हो जाएगा क्योंकि सेम सेम तो है नहीं,
जी नहीं प्यारे छात्रों, वाष्प का भी मतलब गैस ही होता है। वाष्प का मतलब क्या? वाष्प का मतलब वो जो वाटर को बॉयल करते हैं ना, तो जो उबलने के बाद जो धुआं निकलता है वो भी एक तरह का वाष्प होता है, उसको रियलिटी वाष्प बोलते हैं, जो एक गैस की तरह होता है। इसका मतलब वाष्प और गैस दोनों भौतिक अवस्था में सेम होता है, अतः हम बोलेंगे कि उत्प्रेरक आई टू जो है एक समांग उत्प्रेरक है। तो उसके आप नीचे लिख लीजिएगा कि यहाँ पे जो उत्प्रेरक यूज हो रहा है आई टू एक समांग उत्प्रेरक है। फिर एक और एग्जांपल कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल है समांग उत्प्रेरक का, बस आप याद रखिएगा इन चीजों को। एग्जांपल नंबर थर्ड, कुछ अभिक्रिया कुछ इस तरह से भी है, C12H22O11 एक किस फॉर्म में है, तो द्रव फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, और H2O तो जानते हैं कि द्रव होता है जल, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज यानी कि दो पार्ट में टूट रहा है, C6H12O6 दोनों पार्ट में टूट रहा है, ए भी द्रव अवस्था में है। देख पा रहे होंगे ये तो सीधा झलक रहा है कि अभिकारक और प्रतिफल दोनों का भौतिक अवस्था सेम है, अतः यहां कुछ भी इस्तेमाल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल HCl, तो यहां पे लिख देंगे कि HCl उत्प्रेरक HCl एक समांग मिश्रण है, समांग उत्प्रेरक है, मिश्रण नहीं। क्यों? क्योंकि अभिकारक और प्रतिफल दोनों का भौतिक अवस्था सेम है। तो ये कुछ एग्जाम्पल था समांग उत्प्रेरक का। तो अगर सवाल आता है कि समांग उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं, तो उसका डेफिनेशन देने के बाद कोई जरूरी नहीं है कि तीन आप एग्जाम्पल लिखेंगे, एक एग्जाम्पल लिख के भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे तीन एग्जाम्पल हम दिए थे ताकि अगर एग्जाम में आ जाए तो हम लोग उसका एग्जाम्पल देने में सक्षम हो सके। अब चलिए टॉपिक बनाएंगे विषमांग उत्प्रेरक। विषमांग उत्प्रेरक इसमें लिखेंगे विषमांग उत्प्रेरक, फर्स्ट एरो, वह उत्प्रेरक जिसमें अभिकारक तथा प्रतिफल अभिकारक तथा प्रतिफल दोनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती है, दोनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, वह उत्प्रेरक विषमांग उत्प्रेरक कहलाता है। जी हाँ प्यारे छात्रों, जैसे कि समांग उत्प्रेरक किसको कहते हैं, तो जब अभिकारक और प्रतिफल दोनों का भौतिक अवस्था अगर सेम हो गया तब हम उसको बोलेंगे कौन सा, तो समांग उत्प्रेरक। लेकिन जब अभिकारक और प्रतिफल दोनों की अगर भौतिक अवस्थाएं अलग अलग हो जाएगी, इसका मतलब क्या, अभिकारक में गैस होगा तो प्रतिफल में द्रव या फिर ठोस कुछ भी हो सकता है, अगर अभिकारक में द्रव हो तो प्रतिफल में कुछ और हो, इसका मतलब ये हुआ कि अभिकारक और प्रतिफल दोनों का भौतिक अवस्था अगर अलग अलग होगा तो विषमांग होता है। चलिए अब इसका ये भी कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, अगर एग्जाम्पल इसलिए जरूरी है ताकि आप याद रखिए अगर डेफिनेशन आता है इसका, तो एग्जाम्पल एक दो दिखा देना बहुत अच्छा है, जैसे कि N2 और 3H2। आप एक बार, नाइट्रोजन क्या है, एक गैस है, हाइड्रोजन भी क्या है, गैस है, लेकिन इससे जो अभिक्रिया करके बन रहा है 2NH3 जिसको अमोनिया बोलते हैं, वो एक ठोस के माध्यम ठोस होता है। तो इस तरीके से यहां पे जो कुछ भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जैसे आयरन का इस्तेमाल कर रहे हैं उत्प्रेरक में, तो यहां लिखिएगा कि इस तरह की अभिक्रिया है, तो यहां उत्प्रेरक Fe जो है वो विषमांग उत्प्रेरक है, आप लिख लीजिएगा खुद से। दूसरा एग्जाम्पल लिखा जाए, दूसरा में है C2H4 + H2
C2H6। देखिए यहां पे ये क्या है, तो ये गैस होता है, हाइड्रोजन भी क्या है, गैस होता है, लेकिन ये प्यारे छात्रों दोनों रूपों में पाया जाता है, यानी कि ये ठोस रूप में भी पाया जाता है और गैस रूप में भी पाया जाता है। तो इसका मतलब है कि अभी तो कंफर्म नहीं है कि कौन सा ठोस बन रहा है या गैस बन रहा है, तो ये यहां पे जो अभिक्रिया, जैसे मान लिया कि निकेल का यूज करेंगे, तो यहां जिसका यूज करेंगे वो या तो शमांग भी हो सकता है, विषमांग होता है, लेकिन यहां पे विषमांग तभी बोलेंगे जब इसको सिर्फ और सिर्फ ठोस दिखाएंगे। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये C2H6 जो है किस फॉर्म में है, ठोस फॉर्म में है, इसीलिए यहां पे निकेल जो है वो क्या है, कैसा है, तो विषमांग है, विषमांग उत्प्रेरक है। तो इस तरीके से हम लोग इसका दो ही एग्जाम्पल छोड़ दिया जाए, शमांग और विषमांग हम लोग पढ़ रहे थे, अब चलिए उसके बाद आते हैं, तो चलिए देखते हैं, अब टॉपिक बनाएंगे उत्प्रेरक के सिद्धांत। अब उत्प्रेरण के सिद्धांत क्या बतलाता है उसके बारे में हम लोग पहले लिखेंगे फिर समझेंगे। तो उसके नीचे लिखेंगे उत्प्रेरण के मुख्यतः दो सिद्धांत हैं, उत्प्रेरण के मुख्यतः दो सिद्धांत हैं। पहला मध्यवर्ती यौगिक बनने के सिद्धांत, मध्यवर्ती यौगिक बनने के सिद्धांत। दूसरा मध्यवर्ती बन यौगिक बनने के सिद्धांत। दूसरा अधिशोषण का सिद्धांत, अधिशोषण सिद्धांत। तो प्यारे छात्रों अभी हम लोग पढ़ रहे थे उत्प्रेरण के सिद्धांत, तो बिल्कुल उत्प्रेरण को जो सिद्धांत है वो दो पार्ट्स में है, एक का नाम है मध्यवर्ती यौगिक बनने का सिद्धांत और दूसरा का नाम है अधिशोषण सिद्धांत। तो ये दोनों के बारे में हम लोग बारी बारी से एक अलग अलग टॉपिक देकर सीखेंगे। अब ये थोड़ा सा समझने वाले टॉपिक्स है तो इसको हम लोग यहीं तक छोड़ देते हैं कि उत्प्रेरण के सिद्धांत याद रखेंगे आज तक के क्लास में कि दो तरह का होता है, एक मध्यवर्ती बनने का सिद्धांत और इसी का दूसरा होता है अधिशोषण सिद्धांत। तो अब दोनों सिद्धांत को हम लोग अगले वीडियोज में अगले क्लास में सीखेंगे, फिलहाल आज की क्लास तक के यहीं तक खत्म करते हैं, धन्यवाद।